हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पुणे का जू, जो कात्रज में है। यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर पास ही में बस स्टॉप है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये यहाँ का बस स्टॉप है। इसी के पास में ये कात्रज जू, और आप यहाँ पर आपके प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग भी है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये है यहाँ की पार्किंग, बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा पार्किंग, और यहाँ पर है बस स्टॉप। यहाँ से सीधे चल के हमें जू में जाना है। जू के बाहर बहुत सारे फास्ट फूड के स्टॉल्स है, तो आप पहले से यहाँ से खा सकते हो, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको कुछ भी खाने पीने के लिए मिलने वाला नहीं। तो अभी हम लोग आ गए हैं जू के पास, और यहाँ से हम लोग को लेना है टिकट, और यहाँ पर सारे टिकट की इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पार्क की एंट्री फी है 40 रुपीज फॉर एडल्ट, और यहाँ पर कैमरा अगर आप लेकर आते हो तो उसके आपको स्टील कैमरा के 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और वीडियोग्राफी का कैमरा होगा तो उसके 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और इस पार्क का टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 टू 5 o'clock तक इवनिंग में, और ये पार्क वेनसडे को क्लोज रहता है। और यहाँ पर दिए गए हैं जू के रूल्स। थोड़ा आगे आने के बाद लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर स्नेक पार्क है। मुझे दिखे मंकीज कितने सारे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्नेक पार्क के यहाँ पर। यहाँ से ऊपर चढ़ के हमें जाना है अंदर। तो अभी हम लोग देखेंगे रैट स्नेक, इसे हिंदी और मराठी में धामन कहते हैं, और ये नॉन वेनमस है। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप्स के टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज है। उसमें से ये एक है रेड ईयर टेरापिन। इसके ईयर्स रेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम रेड ईयर टेरापिन रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे जगह जगह पर पानी के फिल्टर्स लगाए गए, तो आप यहाँ से पानी भी पी सकते हो। तो यहाँ पर है रेटिकुलेटेड पाइथन, वो उस पानी का पॉन्ड है, उसमें जाकर बैठा हुआ है। ये है घोनस, और ऐसे बहुत सारे स्नेक्स है यहाँ पर, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर बैठा था अजगर। इनके बैक पर से स्टार टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम है स्टार बैक टॉर्टोइस। और वहाँ पर सामने है ग्रीन इगुआना। यहाँ पर है सुसर, इसे मराठी में सुसर बोलते हैं और इंग्लिश में घड़िया। और यहाँ पर है क्रोकोडाइल। और यहाँ पर भी आपको बैठने के लिए जगह दी गई है, और यहाँ पर सारे स्नेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर है इंडियन कोबरा। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर सारे एनिमल्स को नेचुरल इंक्लोजर में रखा गया है। और यहाँ पर है मॉनिटर लिज़र्ड, और यहाँ पर ऊपर है पाइथन। तो ये था स्नेक पार्क। अभी हम लोग चलते हैं बाकी के एनिमल्स देखने के लिए। तो यहाँ से अभी हम लोग को नीचे जाना है, फिर हम लोग देखेंगे पीकॉक एंड वल्चर। इसमें है वल्चर, वहाँ पर सामने ही है, कैमरा में दिख रहा है या पता नहीं, बट अगर आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आपको ज़रूर दिखेगा। और इसके बाजू वाले में तो वाओ, बहुत सारे पीकॉक है। तो यहाँ पर एक लेक भी है, अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा पानी कम है, बारिश आएगा तो पानी यहाँ तक आ जाता है। जो लोग पूरा जू चल के नहीं घूम सकते, उनके लिए यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी है, जो सिर्फ जू के राइट साइड में चलती है, और ये है उस व्हीकल के पूरी इंफॉर्मेशन। तो अभी हम जाएंगे जू के राइट साइड में। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी स्लोथ बेयर पर। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है। और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे चीता। यहाँ पर जगह जगह पर एनिमल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। वहाँ
पर झाड़ के ऊपर एक चीता बैठा हुआ है और वहाँ पर नीचे एक बैठा हुआ है। यहाँ पर ऐसे ब्यूटीफुल सा ग्रीन लॉन है जहाँ पर लोग थक जाते हैं तो आके बैठते हैं या फिर कोई घर से खाना लाकर यहाँ पर खाते हैं। और इस ग्रीन लॉन के बिल्कुल ही सामने है टाइगर जो अभी हम लोग देखे। यहाँ पर है टाइगर उस ट्री के पास। और हम लोग थोड़ा सा ही आके आते हैं तो हमें दिखता है लायन जो जोर जोर से दहाड़ रहा था। और उसके बाद हमने फिर ये देखा यहाँ की स्पेशलिटी व्हाइट टाइगर। और यहाँ पर है ब्लैक बक्स। ये जू बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह में स्प्रेडेड है इसीलिए इसको घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 4 to 5 hours लगेंगे। और यहाँ पर आप थक भी सकते हो, लेकिन अगर आप थक जाते हो तो यहाँ पर जगह जगह पर आपके लिए बेंचेस बनाए गए और बैठने के लिए अरेंजमेंट की गई है। और यहाँ पर बहुत सारे पानी पीने के लिए फिल्टर्स भी हैं तो यहाँ पर आपको डिहाइड्रेशन भी फील नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये है इंडियन वुल्फ जो यहाँ वहाँ पर भाग रहा था। यहाँ पर जो सबसे लास्ट एनिमल है वो है एलिफेंट, वो सबसे ज़्यादा दूर है, उसे ही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग के जो पीछे कुछ एनिमल्स रह गए वो हम लोग कवर करेंगे। ये है बहुत ही बड़े और बहुत ही ज़्यादा क्यूट एलिफेंट्स। यहाँ पर बहुत ही सारे डियर्स है और बहुत अलग अलग टाइप के डियर्स है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको हर कोई टाइप के डियर्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर है 2 बड़े गौर और 1 छोटा बेबी गौर। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स आप यहाँ पर फोटोज भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर फोटो शूट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर है शेकरू हमारा स्टेट एनिमल। तो अभी हम लोग ने पूरा जू एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ के सारे एनिमल्स कवर कर लिए हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।